had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल सांगवान स्टूडियो में। तो भाई आज हम आप लोगों को लेके आए यहाँ पे बिस्टर विलेज। बिस्टर विलेज में है क्या, जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स है ना, सारे की सारी शॉप्स यहाँ पे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़े डिस्काउंट में मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं पूरा बिस्टर विलेज दिखाऊंगा, किस तरह के प्राइसेस है, किस तरह की क्या मतलब कैसा है ये पूरा एरिया। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने एंड तक देखी तो आपको बहुत सारे ब्रांडों के रेट्स पता लग जाएंगे कि यूके के अंदर क्या है डिस्काउंटेड रेट। ओरिजिनल रेट अलग है लेकिन डिस्काउंटेड रेट देखेंगे हम कि कितना डिस्काउंट है, क्योंकि क्रिसमस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। तो देखेंगे भाई कितनी भीड़ है। ये पूरे जितना है ना मार्केट है, ये घर नहीं है, ये सारी की सारी शॉप्स है। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ। डिजाइनर आउटलेट पे मुझे लगता है बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां देखना, गाड़ियां ही गाड़ियां, पार्किंग फुल पड़ी है, पूरी पीछे से पूरी पार्किंग फुल थी। और यहाँ पे भी डबल स्टोरी बना रखी है, ये भी फुल है। मुझे दिख रहा है कि बहुत लंबी थोड़ी लाइन मिलेगी स्टोर्स के सामने, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ दिख रही है। What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. पार्किंग भी बहुत बड़ी और बहुत बिजी है आज के दिन। वैसे जनरली ये क्रिसमस टाइम पे वैसे ही बहुत बिजी होता है, और अब तो मुझे लगा था करंट क्राइसिस चक्कर में थोड़ा बिजी कम होगा, लेकिन चलो चलते हैं बात करेंगे। आ जाओ। Maybe the birds will sing about your heart. ओ तेरी, कितने सारे क्रिसमस ट्री लगा रखे हैं भाई, मस्त है ना। और ये संजय यहाँ पे, संजय भी मेरे साथ आया है। संजय हेलो करते सबको। तो ये भैया एंट्री है यहाँ पे बिस्टर विलेज की, चलो चलते हैं अंदर। और यहाँ से मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा क्या? ये डू हैव टू वेयर मास्क? या व्हाट इज दिस चेकिंग? ओके कूल, थैंक्स। इस तरफ ही आ गया स्टोर भाई प्राडा का, और वहाँ आगे लैकोस्टेक है, और बाकी हैं सारे के सारे। ये ऐसे छोटी छोटी गलियां बहुत है यहाँ पे, और जब अगर धूप निकली हो ना तब तो यहाँ बहुत सुंदर लगता है। अभी तो बारिश भी हो रही है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, और उसके बाद फिर भाई भीड़ भी ज़्यादा है क्रिसमस के चक्कर में। और जब भीड़ कम होगी ना, जब तो बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ें देखने को मिलती है अंदर। और ये बीच बीच में ऐसी बैठने की जगह बना रखी है बढ़िया सी, कि जो भी अपने आराम से थक वक गए हो बैठ जाओ। तो भाई यहाँ पे और तो पता नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है जो ये सजा सा रखा है ना, पेड़ वेड़ देखियो, लाइट रात में तो बहुत सुंदर लगता हुआ है, अभी इतना अच्छा लग रहा है। तो रात में जब अंधेरा हो जाता होगा तब तो लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगती होंगी। तो ये पूरा है भाई, इस तरफ सारे स्टोर्स हैं, फिर इस तरफ हैं, और इस तरफ तो है ही है। तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड यहाँ पे दिखाऊं, और ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं। और ये शॉप है, स्टार्ट हुआ है अभी तो यहाँ से, तो आगे की तरफ चलते हैं। बॉस का है भाई ये, इसमें चलते हैं, बॉस में आ जा। तो भाई अब ये जूते जो है ना, मुझे ये जूते अच्छे लगे, और मुझे लगता है कि मुझे ये जूते ले लेने चाहिए। और बाकी भीड़ बहुत है, अगर पीछे दिख रही हो तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन चलो देखता हूँ मैं और भी ढूंढता हूँ, और स्टोर भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहना। ये जूते अच्छे हैं, मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने जो अभी रिसेंटली जैकेट लिया ना उसमें मैच करेगा बिल्कुल, अच्छा लग रहा है ना। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है शायद ये, कितने के हैं, कितने का इसका प्राइस देखिए नीचे, 79 का है। और इसमें ये है कि इसमें एक ये रहा, चार तरह के डिजाइन हो गए ना, हाई एंड है ना। बोस के जूते हैं भैया, 79 पाउंड के, अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है मुझे ये ले लेने चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना भाई, ये कैप ये लेगा संजय, ओके। और ये जैकेट कितने की है बोस की, देखें ये दिखाते हैं भाई, ये है, इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ, ये रही 309 पाउंड की है जैकेट। वो वाली जो लेदर की है ये है 309 की, और ये है 320 की।
भाई लेदर की तो बहुत महंगी है यहाँ पे। अभी जाएंगे हम इसे नॉर्थ फेस में और यहाँ पे इतने सारे ब्रांड हैं, हम सारे के सारे भैया मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सारे के सारे मैं घूम के आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी भैया, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा ना तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारे ब्रांड के बारे में पता लगने वाला है। तो चलो चलते हैं इसमें और जल्दी से कुछ लेके आते हैं। चले संजय, यहाँ हमारे साथ में आ गए कैल्विन क्लेन जी, उधर आ गया डीजल बाबा, डीजल बाबा इधर हैं। तो भाई सारे के सारे ब्रांड देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिस्काउंट कितना है तेरे को संजय, लग रहा है कुछ डिस्काउंट लगा हुआ है? डिस्काउंट इतना डिस्काउंट तो मुझे तो दिख नहीं रहा भाई। ठीक है अप टू 50% बोला हुआ है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 20% है। इन्हें भी साथ लीजिए, इन्हें भी साथ लीजिए, वो पीछे हाई कर रहे थे भाई, कोई हमें भी साथ लीजिए। तो भाई लेकिन ये है कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, मुझे इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि आजकल की करंट सिचुएशन के हिसाब से कि भाई मुझे लग रहा था बहुत कम लोग होंगे, लेकिन काफी सारे लोग हैं। लेदर आइटम चीप कह रहा है, लेदर आइटम की एक जैकेट देखी थी हमने 320 pound की थी, लेकिन घूमने में बहुत ही अच्छा है ये, मतलब देखा जाए लाइट्स वगैरह जो लगा रखी हैं वो बहुत सही है। और अकेले अगर लड़के हो आप, यूनिवर्सिटी में हो तो ये किसका है, न्यू बैलेंस का है क्या? यहाँ देख सकते हैं, न्यू बैलेंस में चल सकते हैं, शूज देख सकते हैं या फिर वो लोअर चाहिए। ये मुझे है ना आर्मी स्टाइल में कुछ चाहिए, जैसे ये है ना ये वाला कलर, थोड़ा और भी ज़्यादा आर्मी स्टाइल में है कुछ। ये शूज़ हैं भाई, प्राइस इस पर प्राइस लगाया नहीं, 30 pound गए हैं। ये वाले जूते अच्छे हैं है ना, 120 के हैं भैया। और ये सही है भाई, ये भी अच्छे लग रहे हैं वैसे, 120 pound के। परफ्यूम का भी होगा, ये खाने पीने की स्टॉल लगी है भाई इस तरफ, लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। ये देखो ले लिए भाई मैंने, और ये संजय ने ले लिए भाई, क्या लिया संजय? टी-शर्ट्स वगैरह लिए, संजय ने टी-शर्ट्स वगैरह लिए हैं। तो भाई टी-शर्ट मैंने भी ले ली, संजय ने भी ले ली, हमने दोनों ने टी-शर्ट्स वगैरह ले लिए हैं और अब हम जैकेट ढूंढ रहे हैं जहाँ जैकेट अच्छी से मिल जाए। और बाकी शोरूम वो रहे डियोर के, ओ गुच्ची का ये रहा, ये चॉकलेट चॉकलेट की शॉप है। ओ तेरी भाई जनता बहुत है, भीड़ बहुत है। नहीं गुच्ची के हम बाद में आएंगे, पहले आगे जाके आते हैं। लेकिन एक बात है, ये अरमानी का है भाई इस तरफ, और जो बेचने वाले हैं ना वो भी पूरे वो पैर रखे हैं टाइट हुई, कोट काट पैर पे बैठे हैं। ये अरमानी बाबा हैं इस तरफ, वो बर्बरी है, बर्बरी तो नाम ही थोड़ा सा वो स्टाइलिश सा है। बर्बरी के स्कार्फ एंड ट्रेंच कोट। ये इस तरफ ये हो गया बर्बरी। ये ट्री देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, दुकान के अंदर है ट्री, परफ्यूम शॉप है ये। सैनिटाइजर ले ली तूने? अब लेते हैं हम यहाँ पे कुछ थोड़ा परफ्यूम। ये ट्री देख, ये अच्छा लग रहा है भाई, तो पेड़ दुकान के बीच में ही पेड़ लगाया हुआ है फूलों का। अब हम आ गए हैं भाई पोलो रॉ फ्लोरल में, ठीक है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ के कपड़े काफ़ी फेमस हैं और ये स्टोर बहुत फेमस है यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये कैसी है भाई, ये अच्छी लग रही है, ट्राई कर सकता हूँ पूरी। सही लग रही है ना, मुझे तो ये सही लग रही है आर्मी वाली। और ये वाली भाई जो मैंने अभी पहन के दिखाई है, ये है कितने की है? ये है 60 pound की, ठीक है। ये थी वैसे ओरिजिनल 120 pound की, अब 70 pound की है। ये और देख लेते हैं, अरे ये मैं पकड़ लेता हूँ। Okay.
ये रॉक लोल की भाई, ये कितने की लगा रखी है यहाँ पे? 60 पाउंड की है। ये सारी राफ लोल की मैं दिखाता हूँ, ये 60 पाउंड की है भाई यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है वैसे प्राइस, क्योंकि ओरिजिनल जो प्राइस है इनका, अगर आप ये वाले देखें, ओरिजिनल प्राइस है इसका 90 पाउंड और वैसे ये 60 पाउंड की लगी है। ये सारी इस तरफ, तो ये शर्ट ले लेते हैं भाई। थैंक यू।